हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो बच्चा, दिस इज़ योर प्रिपरेटरी असाइनमेंट। यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर यूनिट टेस्ट। दिस इज चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दिस चैप्टर कम इन टू योर यूनिट टेस्ट। फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेम द रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ अ प्लांट विच कंटेन्स सीड। कौन सा रिप्रोडक्शन ऑर्गन है प्लांट का जो सीड को कंटेन करते हैं? फ्लावर। विच पार्ट ऑफ फ्लावर हेल्प इन पॉलिनेशन। कौन से फ्लावर का कौन सा पार्ट पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है? कोरोला, क्योंकि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें से जो कोरोला पार्ट है वो क्या करता है? पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। विच इज़ द अनदर नेम ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर का अनदर नेम क्या है? हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि ये क्या है? बायसेक्सुअल, जिसमें दोनों पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व हो, मतलब गाइनेशियम और एंड्रोशियम दोनों हो, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उसको हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज और व्हेन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज। क्या प्रोड्यूस होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं और वो व्हेन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज? एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का प्रोडक्शन होता है। राइट टू वेज इन विच पॉलिनेशन में ऑकर इन प्लांट्स। कौन से दो वे हैं जिससे प्लांट में पॉलिनेशन पॉसिबल है? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। थ्री एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्री एजेंट्स कौन से होते हैं? इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? टू टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, कौन से? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेम द 4 होल्स ऑफ द फ्लावर। 4 होल्स क्या हैं फ्लावर के? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। जो एंड्रोशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और जो गाइनेशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में। डिफाइन कैलस। कैलस का अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, ये अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल होता है, ठीक है, इसको हम कैलस बोलते हैं। द मेल प्रोड्यूस गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं, द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स को एग्स और ओवा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एग? एग का अनदर नेम क्या है? ओवा। व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर? कंप्लीट फ्लावर क्या आएगा? अ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 4 पार्ट्स इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसमें 4 के 4 पार्ट्स होते हैं, ये वाले सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। हिबिस्कस, रोज, सनफ्लावर आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ कंप्लीट फ्लावर। एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्लावर? अगर कोई भी पार्ट मिसिंग हो फ्लावर में, या तो एक किसी के पास मेल होता है या तो किसी के पास फीमेल पार्ट होता है, एक ना एक पार्ट मिस होता है, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर मे बी स्टेमिनेट और पोस्टुलेट व्हेन द फ्लावर इज हैविंग ओनली मेल। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है, दैट इज एंड्रोशियम पार्ट है, तो उसको हम स्टेमिनेट बोलते हैं, और अगर किसी का सिर्फ फीमेल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टुलेट। फॉर एग्जाम्पल, माइज एंड पपाया फ्लावर, दिस आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर। व्हाट इज न्यूट्रल फ्लावर? न्यूट्रल फ्लावर क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल पार्ट आर एबसेंट इन द फ्लावर, कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट एब्सेंट हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल, रे फ्लावर। सो दिस इज द बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी मतलब क्या होता है बच्चा? बाइनरी का मीन्स 2 होता है और फ्यूजन मतलब स्प्लिट, मतलब 2 पार्ट में स्प्लिट होना। इसमें क्या होता है? जब पेरेंट बॉडी डिवाइड इंटू 2 हाफ्स, जो पेरेंट बॉडी है 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाती है और 2 डॉटर सेल का प्रोडक्शन करती है। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसका एग्जाम्पल है कॉलरा एंड अमीबा, आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बडिंग, अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसको हम बर्ड बोलते हैं, वो किस बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर फॉर्म हो जाती है। ये कंटेन करती है न्यूक्लियर मैटर फ्रॉम द सेल। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बर्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है? द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। जो बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू 2 अंडर इंडिविजुअल। सो एग्जाम्पल है, देखो बच्चा, फ्रेगमेंटेशन है, ये क्या हो गया ब्रेक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रेगमेंटेशन है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जो वो सिंगल पार्ट है ना, वो ईच पार्ट एक न्यू अडल्ट में अपने आप को चेंज कर लेगा। 2 पार्ट चेंज हुए, दोनों ने अपना अलग से फ्रेगमेंटेशन और स्पैरोगायरो बना लिया, अलग से इंडिविजुअली उन्होंने एक अडल्ट को डेवलप कर दिया। तो एग्जांपल क्या है? स्पैरोगायरो।
दिस इज अ स्पैरोगायरा एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? सम हाइफी बिकम इरेक्ट एंड स्वेल अप एट द टिप विच प्रोड्यूस सम फंगाई बैक्टीरिया इन मॉस फॉर एग्जाम्पल फंगाई. अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बच्चा, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है एयर एटमॉस्फेयर एयर में होता है. जब उनको एक सुटेबल कंडीशंस मिल जाती है ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ब्रेड रखा हुआ है, ब्रेड के ऊपर आके वो बैठ जाएंगे तो वहाँ से एक वाइट कलर का पाउडरी टाइप का सब्सटेंस के ऊपर आ जाएगा और ब्रेड को मतलब बैक्टीरिया फंगाई में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा ब्रेड के ऊपर. इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, जिसको हम स्पैरोगियम बोलते हैं. जो सम हाइफी बिकम इरेक्ट एंड स्वेल अप द टिप्स विच रिप्रोड्यूस, तो वो सम फंगाई और बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ब्रेड के ऊपर. कुछ टाइम से ब्रेड रखा हुआ है खुले में, हमने छोड़ दिया है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन वहाँ पर आके स्टिक हो जाएगा. स्टिक होने के बाद वहाँ से फंगाई बैक्टीरिया और मॉस का रिप्रोड्यूशन हो जाएगा. वट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है? दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स. इस टाइप के रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स का इन्फ्यूजन नहीं होता है. सिंस सिंगल पेरेंट इज, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एग्जाम्पल अमीबा परमेशियम एंड स्पैरोगायरा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टेक प्लेस. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टेक प्लेस एंड बोथ द पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल कैट डॉग हॉर्स ह्यूमन बींग, वी ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? द प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज रूट स्टेम एंड लीव. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ऐसे प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं रूट से भी हो सकते हैं, स्टेम से भी हो सकते हैं, और लीव्स के, सिर्फ लीव्स लगा दिया या रूट लगा दिया, स्टेम लगा दिया किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का, वहाँ से वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरली जो अपने आप हो जाए, आर्टिफिशियली जो मैन मेड हम खुद बनाते हैं, लेबॉरेटरी में बना सकते हैं या फिर नर्सरी में गार्डन एरिया में बना सकते हैं. नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? बाय अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम एग्जाम्पल क्या है? अनियन, गार्लिक, बनाना, ये क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है. बाय एरियल स्टेम एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी मीन सम ग्रास जैसे धूप, जो ग्रीन कलर का घास टाइप का होता है ना, उसको हम धूप भी बोलते हैं उसको. बाय रूट से क्या है? स्वीट पोटैटो, एस्पेरागस. बाय लीव्स वे ब्रायोफिलम करंची, मतलब इसका सिर्फ लीव्स लगाने से ना, जो ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ हम सिर्फ लीव को लगाएंगे और वो एक न्यू प्लांट में, प्रॉपर प्लांट में ग्रो करने लगेगा. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन. मैन जो डेवलप करता है उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं. इट इज़ डन बाय फोर डिफरेंट मेथड. सबसे पहला है कटिंग करके हम प्लांट की लगा सकते हैं. जैसे रोज़ को लगाने के लिए हमको सिर्फ स्टेम की ज़रूरत होती है, स्टेम को फिर हम सॉइल में पेनिट्रेट करके उससे एक फुल प्लांट ग्रो हो जाता है. तो एग्जांपल क्या है? शुगर कैन, रोज़, बैगनवेला, लेमन एंड टेमरिड. ग्राफ्टिंग, मैंगो, रोज, ग्रेप्स एंड लेमन. ग्राफ्टिंग क्या होता है? सो बच्चा ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है मैंगो, रोज, ग्रेप्स एंड लेमन. ग्राफ्टिंग में क्या होता है? बेसिकली हम दो वुड लेंगे, एक जो नीचे के साइड होगा उसको हम सीजन बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग. क्लियरिंग का एग्जांपल है जैस्मिन, लेमन, चाइना रोज. क्लियरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं ना, उनके कुछ पेरेंट प्लांट से कुछ जो ब्रांचेस होती है वो नीचे गिर जाती है, तो ब्रांचेस को फिर से हम सॉइल में पेनिट्रेट कर देंगे, तो वो सॉइल से पेनिट्रेट करने के बाद एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लेयरिंग. टिश्यू कल्चर बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं, मतलब लेबॉरेटरी में ग्रो करवाते हैं. तो वहाँ पर क्या है कि टेस्ट ट्यूब में हम डिफरेंट प्लांट्स को रखते हैं, फिर उसमें कुछ केमिकल्स डालकर उनको ग्रो करवाते हैं. उसमें कोई फ्लावर या फ्रूट नहीं होता है, वो सिर्फ शो पीस के लिए होता है, उसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं. उसका एग्जाम्पल है एस्पेरागस,
chrysanthemum. This all the examples of tissue culture. This is the definition. Fertilization क्या होता है? The male nucleus fuses with the egg cell or female gamete present inside the ovule and zygote is formed. फर्टिलाइजेशन जो मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एक्सेल और फीमेल, फीमेल के एक्सेल के साथ फ्यूज होना और प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल एंड जाइग, उसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जाइगोट फॉर्म होता है जब मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एक्सेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा में, सेम फ्लावर में, डिफरेंट फ्लावर में, सेम फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल बाई विच दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू मेंटेन देयर रेस. रिप्रोडक्शन ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स और एलिमेंट्स का जो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस अपनी मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन को मेंटेन देयर रेस. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है? इस मेथड में टू क्रॉप ऑफ डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड. इसमें दो क्रॉप्स को हम सेलेक्ट करते हैं, उस क्रॉप्स आर, उसको पेरेंट क्रॉप बोलते हैं. सेलेक्शन ऑफ दिस क्रॉप क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बाय द प्लांट ब्रीडर एंड साइंटिस्ट टू गेट अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप. जब हम दो प्लांट्स को सेलेक्ट किए हैं उसको हम पेरेंट प्लांट बोलेंगे. सिलेक्शन करने के बाद उस प्लांट्स का क्रॉस ब्रीडिंग होगा और जो साइंटिस्ट एक न्यू वैरायटी ऑफ ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग इज डन बाय द प्लांट ब्रीडर एंड साइंटिस्ट टू गेट अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप. और जो साइंटिस्ट एक न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप को डेवलप करेंगे. द न्यू वैरायटी कंटेन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव फॉर बोथ द पेरेंट्स. जो न्यू वैरायटी डिजायर ऑप्टेन होगी तो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बोथ द पेरेंट्स की इन्वॉल्व होंगी. इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड द न्यू वैरायटी इज कॉल्ड हाइब्रिड. जो न्यू वैरायटी को हम बोलते हैं हाइब्रिड. मैनी हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ मेज, व्हीट, राइस हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन. जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ मेज, व्हीट, राइस को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. एट द शॉर्ट नोट, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन. सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो एंड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड्स. जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग, जो जाइगोट और एग है वो डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाता है एंड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्ड इनटू अ सीड. और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है? जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, उसके जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो रहा है. अ सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इन फेवरेबल कंडीशन. सीड के एक मैच्योर ओव्यूल है जो कि ग्रो हो रहा है एक न्यू प्लांट में, उसको जब प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है, तो वो ग्रो हो रहा है. द ओवरी कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट. जो ओवरी है वो कंटिन्यू ग्रो हो रही है और किस में डेवलप हो रही है? फ्रूट में डेवलप हो रही है. अब फ्रूट इज अ रिपन ओवरी विथ फ्लैशी और ड्राई वॉल. जो फ्रूट होता है रिपन, रिपन पक जाना बोलते हैं ना, रिपन ओवरी होती है जिसके ऊपर फ्लैशी और ड्राई वॉल्स होते हैं. इफ फर्टिलाइजेशन फेल्स फॉर वन रीजन और अदर द ओवरी सिंपली विथड्रे अवे एंड फॉल्स ऑफ. अगर फर्टिलाइजेशन फेल हो जाए कोई पर्टिकुलर रीजन से तो जो ओवरी है वो विदर अवे एंड फॉल्स ऑफ, मतलब खराब हो जाएगी. सो दिस इज दी सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन. किस तरीके से सीड्स एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट. यहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा की तरफ. आप जब फ्लावर का डायग्राम देखोगे तो वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर में. यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा का, डिफरेंट फ्लावर में. एक एंथर, एक फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो डिफरेंट फ्लावर में है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसे यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट. इट कैन ऑकर इवन वेन द फ्लावर इज क्लोज. ये ओकर होता है जब फ्लावर क्लोज हो. इट इज ओकर ओनली वेन द फ्लावर इज ओपन. फ्लावर ओपन है तो ही पॉसिबल है. बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट दिस टाइम. एंथर और स्टिग्मा एक टाइम पे मैच्योर होते हैं यहाँ पर, लेकिन एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं. इट ओकर ओनली इन बायसेक्शुअल फ्लावर में होते हैं कि जहाँ पर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो. ये यूनिसेक्शुअल, बायसेक्शुअल दोनों फ्लावर में पॉसिबल है. सो लर्न चैप्टर नंबर 2 फॉर योर यूनिट टेस्ट एंड योर अनदर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7 नर्वस सिस्टम. सो
व्हाट डू वी कॉल दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन. व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम. एक्सपेंड द टर्म SNS. SNS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय. जो बॉडी का बैलेंस है वो कौन सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? सेरिब्रम. क्योंकि जो ब्रेन है बच्चा वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड मेड्यूला. तो ये सेरिब्रम जो पार्ट है वो बैलेंस करता है बॉडी को. रिएक्शन शोन बाय द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जब रिएक्शन शो करता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स करना. थ्री मेजर डिवीजन क्या है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. नेम द थ्री मेन पार्ट. सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोगाटा. ये थ्री मेन पार्ट है ब्रेन के. डिफाइंड साइनेप्स. साइनेप्स क्या आता है? साइनेप्स इज द जंक्शन वेयर द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन लाइज टू द क्लोज कॉन्टेक्ट टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन. बेसिकली साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है. बच्चा ये समझ लो, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है. ये जो बीच का जंक्शन होता है यहाँ से एक्सॉन से एक न्यूरॉन क्लोज कॉन्टेक्ट करता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से. तो उस जो जंक्शन होता है जहाँ से दो न्यूरॉन मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं साइनेप्स. कोऑर्डिनेशन क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा एज पर द नीड ऑफ द बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. जो इंटरेक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी का, कार्डियोवास्कुलर, ये सब सिस्टम है हमारी बॉडी में. जब हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग इंटरनली और एक्सटर्नली हमको रिक्वायरमेंट होती है तो वो वर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ एक काम करते हैं. डिफाइंड स्टिमुलस. चेंज इन द एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट जो प्रोड्यूस करता है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस. डिफाइन न्यूरॉन विद दी हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम. न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या एक नर्व सेल है जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम विच रिसीव्स एंड कंडक्ट मैसेज. मैसेज को रिसीव भी करते हैं और कंडक्ट भी करते हैं. ये थ्री पार्ट का होते हैं, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन. साइटोन क्या है? जो मेन न्यूरॉन इज अ सेल बॉडी इज कॉल्ड साइटोन. ये सेल बॉडी है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोन. और ये सेल बॉडी ये मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन का. डेंड्रॉन, ये है डेंड्रॉन. डेंड्रॉन शॉर्ट फाइबर डेट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी. डेंड्रॉन फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म डेंड्राइट. जो डेंड्रॉन होता है एक शॉर्ट फाइबर होता है जो कि सेल बॉडी से निकलते हैं और ये उसका डेंड्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. पहले डेंड्रॉन है, फिर ये क्या हो रहा है? डेंड्राइट में कन्वर्ट हो रहा है. एक्सॉन, उसके बाद क्या है? यहाँ पास क्या है? एक्सॉन. एक्सॉन क्या है? लॉन्ग स्पेशलाइज राइजिंग फ्रॉम द अदर. ये साइटोन से नीचे की तरफ जाते हैं, स्पेशलाइज प्रोसेस है. ये क्या है? फ्यू mm और अप टू मोर देन 1 मीटर की लेंथ का होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. डिफाइन इफेक्टर ऑर्गन. इफेक्टर ऑर्गन के द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट रिस्पॉन्ड टू ऑफ द मोटर नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड इफेक्टर ऑर्गन. बॉडी का वो पार्ट जो कि मोटर नर्व इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करता है, बॉडी का वो पार्ट जो मोटर नर्व इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन. रिसेप्टर ऑर्गन क्या आता है? ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो रिसीव करता है स्टिमुलस. जो स्टिमुलस को मतलब जो भी रिस्पॉन्स होता है हमारे इन्वायरमेंट में इंटरनली एक्सटर्नली उसको रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स. ओके. डिफाइन ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम. व्हाट इज इट फंक्शन? द ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ नर्वस एंड गैंग्लिया और आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. गैंग्लिया इज अ क्लस्टर और नर्व सेल. इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज. इट इंक्लूड बॉडी फंक्शंस ऑफ आई, हार्ट, लंग, लीवर, स्टमक एंड मैनी मोर. ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ चेन्स ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया. बैकबोन के आइदर साइड में ये क्या करता है? क्लस्टर ऑफ नर्व्स और चैन ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया कंसिडर करते हैं. जो गैंग्लिया होता है एक नर्व सेल का क्लस्टर होता है. ये क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. जो हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं इट इंक्लूड्स बॉडी फंक्शन. ये बॉडी फंक्शन को इंक्लूड करने से आई, हार्ट, लंग, लीवर, स्टमक एंड मैनी मोर ऑर्गन्स. ये क्या इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है. वट आर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज रिसीव इन्फॉर्मेशन टू जनरेट रिस्पॉन्ड टू डेट स्टिमुलस. नर्वस सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को.
व्हाट इज डिफरेंस अमंग मोटर सेंसरी एंड एसोसिएशन नर्व. सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? द न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन अप टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. जो न्यूरॉन्स कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक. जो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस पूरी बॉडी तक जो भी इम्पल्स है उसको लेकर आते हैं. सबसे पहले सेंसरी और न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ब्रेन को मैसेज देते हैं. मोटर न्यूरॉन ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी के वेरियस पार्ट पर पार्ट तक इम्पल्स को ट्रांसफर करता है. एसोसिएशन न्यूरॉन करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लोकेट होता है और ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक. ये क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लोकेट होता है एसोसिएशन न्यूरॉन और ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक. डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व. क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? ये 12 पेयर में होते हैं और ये 31 पेयर में होते हैं. इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से इमर्ज होते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होते हैं. दे रीच टू द ऑर्गन इन द हेड रीजन. दे रीच टू द ऑर्गन्स, ये रीच करते हैं ऑर्गन्स टू द हेड रीजन तक. दे रीच टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. द सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस क्या नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन, इसको फाइट एंड फ्लाइट डिवीजन भी बोलते हैं, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्टिन डाइजेस्ट डिवीजन बोलते हैं. इट रिजल्ट इन इंक्रीज अलर्टनेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू प्रिपेयर बॉडी ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन. ये हमारी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है और ये क्या करता है? ये एक्टिविटीज कंजर्व करता है, रिस्टोर करता है बॉडी की एनर्जी को ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी टेक मील. जब हम ये क्या करता है हमारी बॉडी को, जब हम मील खाते हैं या फिर बॉडी की एक्टिविटीज नहीं करते हैं कुछ भी, तो ये क्या करता है? स्टोर करता है हमारी एनर्जी को. पाथवे रिफ्लेक्शन क्या है? इसको डायग्राम के साथ हमने समझाना है. द पाथ दैट इम्पल्स टेकन रिफ्लेक्स एक्शन इसको रिफ्लेक्स आर्क. जो पाथ इम्पल्स करती है रिफ्लेक्स एक्शन को उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. ये सेंसरी न्यूरॉन को इंक्लूड करती है, एसोसिएशन न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन्स को इंक्लूड करती है. इसके जो ये मेन कंपोनेंट्स हैं, द एक्सॉन ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स ऑन द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड. ओके बच्चा, तो जो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जो जिस पाथ से रिफ्लेक्स एक्शन जाता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. जैसे पाथ, जो पाथ है जिस रास्ते से जा रहा है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क. ये सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन तीन एज अ कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं. द एक्सॉन ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो एक्सॉन होता है सेंसरी न्यूरॉन का, वो कंडक्ट करता है इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है वो रिसेप्टर में गया, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के पास गया. द रिसेप्टर एंड द सेंसरी ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस. जो रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, ये स्टिमुलस को रिसीव किया. जो भी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी से उसने, इन दोनों ने क्या किया, रिसीव किया. उसके बाद फिर ये कहाँ पास गए, एसोसिएशन न्यूरॉन के पास गए. एसोसिएशन न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से मसल्स एक्शन के पास गए. द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द मोटर नर्व्स इम्पल्स इज कॉल्ड इफेक्टर ऑर्गन्स. तो जो बॉडी का पार्ट है जो कि मोटर नर्व इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करता है, जो मोटर नर्व इम्पल्स आ रही है उसको रिस्पॉन्ड कर, उसको हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन. सबसे पहले रिस्पॉन्स आया वो रिसेप्टर के पास गया. जो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस ऑर्गन से, सबको सेंसरी न्यूरॉन तक लेके गया. सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएशन न्यूरॉन तक गए. ये एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है वन न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक. फिर ये मोटर न्यूरॉन के पास गए, मोटर न्यूरॉन से मसल्स एक्शन के पास गए और हमको पता चल गया कि कुछ एक्सटर्नली कुछ रिस्पॉन्स हुआ है. अगर कोई गर्म, कोई भी अपने हॉट या कोल्ड हॉट चीज़ में आपने अपने हाथ रख दिया है, तो ये प्रोसेस विद इन अ फ्रैक्शन होता है और आप अपना हाथ रिमूव कर लोगे. ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.